कंपनीज जो गवर्नमेंट कंपनीज है और अच्छा डिविडेंड दे रही है, और कई कंपनीज ऐसी भी है जिसका डिविडेंड यील्ड मोर देन एफडी है, यानी कि एफडी से भी ज़्यादा डिविडेंड दे रही है। दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर। हम इसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आइडियाज़ लाते रहेंगे। एंड कीप नोटिफिकेशन ऑन ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे। दोस्तों, आइए बात करते हैं कंपनीज़ के बारे में। जो पहला कंपनी है वो है REC लिमिटेड, यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, और ये एक NBFC कंपनी है, और ये इलेक्ट्रिफिकेशन के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए फाइनेंस करती है। दोस्तों, इसका जो करंट मार्केट कैप है वो है 28,261 करोड़ रुपीज़। इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 143 रुपीज़ है। इसका जो बुक वैल्यू है वो है 146 रुपीज़, और इसका जो डिविडेंड है वो 11 रुपीज़ है लास्ट। उसके हिसाब से डिविडेंड यील्ड हो रहा है 7.69%। दोस्तों, सेकंड कंपनी है बालमा लोरी कंपनी लिमिटेड। इसका जो करंट मार्केट कैप है वो 1,955 करोड़ रुपीज़ है, और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 171.5 रुपीज़ है। इसका बुक वैल्यू है 137.7 रुपीज़, और लास्ट डिविडेंड है 11 रुपीज़। इसके हिसाब से डिविडेंड यील्ड हो रहा है 6.41%। और नेक्स्ट कंपनी है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ये एल्यूमिनियम के कारोबार में है। इसका मार्केट कैप है 8,171 करोड़ रुपीज़, और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 43.5 रुपीज़ है। इसका जो बुक वैल्यू है वो है 65.42 रुपीज़। इसका जो डिविडेंड है वो है 5.37 रुपीज़ लास्ट, और इसके हिसाब से डिविडेंड यील्ड हो रहा है 13%। दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी है SJVN लिमिटेड, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, और यह है पावर जनरेशन की कंपनी है, और इसका मार्केट कैप है 9,588 करोड़ रुपीज़, और इसका करंट मार्केट प्राइस है 24.5 रुपीज़, और इसका जो बुक वैल्यू है वो है 28.62 रुपीज़, और डिविडेंड है 2.15 रुपीज़ लास्ट, और डिविडेंड यील्ड है 8.81%। दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी है NMDC लिमिटेड, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये माइनिंग की कंपनी है, और इसका जो करंट मार्केट कैप है वो है 31,170 करोड़ रुपीज़, और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 101.5 रुपीज़ है। इसका जो बुक वैल्यू है वो है 85 रुपीज़, और इसका जो डिविडेंड है लास्ट वो है 5.52 रुपीज़, और इसके हिसाब से डिविडेंड यील्ड हो रहा है 5.42%। दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी है PTC इंडिया लिमिटेड, और इसका जो करंट मार्केट कैप है वो है 1,779 करोड़ रुपीज़। इसका करंट मार्केट प्राइस है 60.5 रुपीज़, और इसका बुक वैल्यू है 158 रुपीज़, और डिविडेंड है लास्ट 4 रुपीज़, और इसके हिसाब से डिविडेंड यील्ड है 6.66%। दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी है पावर जनरेशन पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड, और ये पावर ट्रांसमिशन की कंपनी है। इसका करंट मार्केट कैप है 1,05,704 करोड़ रुपीज़, और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 202.5 रुपीज़। इसका जो बुक वैल्यू है वो है 112.95 रुपीज़, और इसका लास्ट डिविडेंड है इंटरिम एंड फाइनल मिला के 8.33 रुपीज़, और इसके हिसाब से डिविडेंड यील्ड हो रहा है 4.12%। दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी है HPCL लिमिटेड, ये पेट्रोलियम कंपनी है। इसका करंट मार्केट कैप है 37,653 करोड़ रुपीज़, और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 247.5 रुपीज़। इसका जो बुक वैल्यू है वो है 199 रुपीज़, और इसका जो डिविडेंड है वो है 15.9 रुपीज़, और डिविडेंड यील्ड हो रहा है 6.43%। दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इसका जो करंट मार्केट कैप है वो है 1,22,902 करोड़ रुपीज़, और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 130.55 रुपीज़, और बुक वैल्यू है 121 रुपीज़, और डिविडेंड है 9.25। इसके हिसाब से डिविडेंड यील्ड हो रहा है 7.09%। दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी है ONGC लिमिटेड, और इसका करंट मार्केट कैप है 1,64,235 करोड़ रुपीज़। इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 130.55 रुपीज़ है। बुक वैल्यू है 158 रुपीज़, और इसका जो डिविडेंड है वो है 14 रुपीज़, और इसके हिसाब से डिविडेंड यील्ड हो रहा है 5.36%। दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी है इरिकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, और ये रेलवे की कंपनी है, और इसका करंट मार्केट कैप है 3,390 करोड़ रुपीज़, और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 360.55 रुपीज़ है।
इसका बुक वैल्यू 447.8 रुपीज़ है, डिविडेंड 21.5 रुपीज़ है लास्ट, इसके हिसाब से डिविडेंड यील्ड हो रहा है 5.98%। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है मिश्र धातु निगम लिमिटेड, और इसका जो करंट मार्केट कैप है वो है 2,231 करोड़ रुपीज़, और इसका करंट मार्केट प्राइस है 360.55 रुपीज़, और इसका बुक वैल्यू है 44.56 रुपीज़, इसका डिविडेंड है 2.19 रुपीज़, और डिविडेंड यील्ड है 1.84%। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, और इसका जो मार्केट कैप है वो है 1,27,969 करोड़ रुपीज़, और इसका करंट मार्केट प्राइस है 207.6 रुपीज़, और बुक वैल्यू है 43.56 रुपीज़, और डिविडेंड है 13.1 रुपीज़, और इसके हिसाब से डिविडेंड यील्ड हो रहा है 6.31%। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है NBCC, ये कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, मार्केट कैप है इसका 6,237 करोड़ रुपीज़, और इसका करंट मार्केट प्राइस है 34.65 रुपीज़, बुक वैल्यू है 9.2, और डिविडेंड लास्ट है 0.65, इसके हिसाब से डिविडेंड यील्ड हो रहा है 1.88%। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है मोइल लिमिटेड, और ये इसका मार्केट कैप है 3,388.8 करोड़ रुपीज़, और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 131.55 रुपीज़, और बुक वैल्यू है 107.48 रुपीज़, और डिविडेंड है 6 रुपीज़, और इसके हिसाब से डिविडेंड यील्ड हो रहा है 4.56%। दोस्तों नेक्स्ट है बाल मालौरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, इसका जो करंट मार्केट कैप है वो है 952.71 करोड़ रुपीज़, इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 429.5 रुपीज़ है, इसका जो बुक वैल्यू है वो है 75.78 रुपीज़, और डिविडेंड है 34 रुपीज़, और इसका डिविडेंड यील्ड हो रहा है 7.92%। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है NHPC लिमिटेड, और इसका जो करंट मार्केट कैप है वो है 22,199 करोड़ रुपीज़, इसका करंट मार्केट प्राइस है 22.1 रुपीज़, और बुक वैल्यू है 33.52 रुपीज़, और लास्ट डिविडेंड दिया है इंटरिम और फाइनल मिला के 1.46 रुपीज़, इसके हिसाब से डिविडेंड यील्ड हो रहा है 6.61%। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड, और ये पेट्रोलियम कंपनी है, मार्केट कैप है इसका 1,16,298 करोड़ रुपीज़, और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 150.3 रुपीज़, और इसका जो बुक वैल्यू है वो है 267 रुपीज़, और इसका डिविडेंड है लास्ट 10.25, इसके हिसाब से डिविडेंड यील्ड हो रहा है 6.82%। दोस्तों नेक्स्ट है RCF लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र, और इसका जो मार्केट कैप है वो 2,507 करोड़ रुपीज़ है, इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 45.45 रुपीज़ है, इसका बुक वैल्यू 101.28 रुपीज़ है, और इसका डिविडेंड लास्ट है 0.77 रुपीज़, इसके हिसाब से डिविडेंड यील्ड है 1.69 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है LLC इंडिया लिमिटेड, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, एक इसका जो करंट मार्केट कैप है वो है 7,654 करोड़ रुपीज़, और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 55.2 रुपीज़, और इसका जो बुक वैल्यू है वो है 100 रुपीज़, और इसका डिविडेंड है 4.53 रुपीज़, और इसके हिसाब से डिविडेंड यील्ड हो रहा है 8.21%। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है गेल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, और इस गैस ट्रांसमिशन की कंपनी है, और इसका मार्केट कैप है 56,247 करोड़ रुपीज़, इसका करंट मार्केट प्राइस है 123.55 रुपीज़, इसका जो बुक वैल्यू है वो है 101.28 रुपीज़, और इसका जो डिविडेंड है लास्ट वो है 7.15 रुपीज़, और इसके हिसाब से डिविडेंड यील्ड हो रहा है 5.77%। दोस्तों ये थे 21 गवर्नमेंट कंपनीज, और भी थोड़ी गवर्नमेंट कंपनीज है, और जैसे कि अभी लास्ट ईयर ही एक IPO आया है, रेन विकास निगम लिमिटेड, उसने भी एक डिविडेंड दिया है, और इसका जो एग्जैक्ट डिविडेंड यील्ड है फाइनल और इंटरिम डिविडेंड यील्ड मिला के नेक्स्ट ईयर उसका कितना डिविडेंड यील्ड पड़ता है वो भी आ जाएगा, तो वो भी कंपनी डिविडेंड यील्ड एक अच्छा डिविडेंड यील्ड देने वाली कंपनी बन जाएगी। और ऐसे ही ईयर ऑन ईयर कुछ कंपनीज ऐड होती है, कुछ कंपनीज निकल जाती है, और जब भी मार्केट लो होता है तो आप परचेस करते हो तो डिविडेंड यील्ड काफ़ी बढ़ जाता है ऑन परचेस प्राइस। तो दोस्तों ये डिविडेंड यील्ड है वो
इस महीने की प्राइस पे है और वो प्राइस के साथ चेंज होता रहता है, ऑल्सो कंपनी के प्रॉफिट के साथ भी। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनीज़ रेगुलर डिविडेंड दे रही है। ऑलमोस्ट सभी कंपनीज रेगुलर डिविडेंड दे रही है और ये सारी गवर्नमेंट कंपनीज है, तो इनको एक प्रेशर रहता है डिविडेंड पे आउट करने का। उसकी वजह से रेगुलर डिविडेंड आने के चांसेस है, लेकिन वो कुछ बढ़ते हैं और कुछ कम भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था डिविडेंड यील्ड कंपनीज़ के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल एंड कॉमेंट इफ़ यू वॉन्ट टू नो एनीथिंग मोर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।